अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है नेशनल एमडी कैट 30 डेज स्केड्यूल, जिसमें आप दो मरतबा रिवीजन कर सकते हैं। ये स्केड्यूल एक ऐसा स्केड्यूल है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ही बेस पर आपको पता होगा कि आपने कितने एमसीक्यूज़ करने हैं, किस बुक के कितने एमसीक्यूज़ करने हैं। जैसा कि ये मैंने बायोलॉजी के आपके सामने ओपन किया है, बायोलॉजी है, ठीक है, आ सेलुलर, और उसके अगला टॉपिक है, फिर उसके बाद फोर्स एंड मोशन में कितने एमसीक्यूज़ करने हैं, 244 हैं, और इसी तरह आगे इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, 289 है। डे वन का काम है ये आपका, ठीक है, डे वन में करने हैं। और इसकी एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है कि आप अपने पहले नोट्स जो आपने तैयार किए हुए हैं या रीडिंग करें, पहले बुक से रीडिंग कर लें, फिर उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें। अगर आप देखें तो इस स्केड्यूल के अंदर आपको एक अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको तकरीबन 28,000 प्लस में एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर वो आप अपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर आप जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद वो आपको FLPs प्रोवाइड करते हैं, सेम टू सेम एज इट ऐसे होते हैं जैसे आपने BMC का टेस्ट देने जाने हैं। 1 to 2 FLP आप अटैम्प्ट करते हैं, जिससे आपको प्रॉपरली पता चल जाता है कि आपने 15 डेज़ तो के अंदर। अगली सेकंड रिवीजन के अंदर वो आपको प्रायोरिटी वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। पहले आपके जो कुछ एक वीक है वो आपका प्रायोरिटी वाइज हाई प्रायोरिटी सेक्शन को दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको लो प्रायोरिटी, मतलब मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये MCQs मेंशनड हैं कि आपने इतने करने हैं, जो कि आपके लिए एक डोमेन है, ठीक है। तो पहले ही डिफाइन हो जाता है कि आपने इतने MCQs आज करने हैं। अब ये MCQs उन बच्चों के पास तो अवेलेबल हैं जो बच्चे, मतलब के ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है topgrade.vk वेबसाइट है, ऑनलाइन अकेडमी है, लेकिन ये जिन बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है वो ट्राई करें कि वहाँ से उन्हें, मतलब के टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं से तो MCQs मिल जाएँ अटेम्प्टेबल फॉर्म में, क्योंकि ये अटेम्प्टेबल फॉर्म में topgrade.vk प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल हो रहे तो topgrade.pk पर जाकर आप साइन अप करें और इजीली आप वहां से ये वाले MCQs 30,000 प्लस में MCQs हैं जो कि अवेल कर सकते हैं, और उसके साथ आप विद प्लान, इस प्लान के मुताबिक आप अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही कम फी में आप अटेम्प्टेबल फॉर्म में MCQs गेट कर सकते हैं। अगर आप 30 डेज़ का प्लान ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप 15 डेज़ का भी कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन 10,000 MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन MCQs के अंदर आपको, मतलब कि वो जस्ट पास पेपर्स हैं लास्ट 10 ईयर के, और उनमें आपको टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हो रहे हैं।